कॉर्पोरेट रडार में जुड़ रहे हैं असाही इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोपाल गनात्रा जी, एंड हमारे उनसे ऑफकोर्स हम जानना चाहेंगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है बिजनेस पर, डिमांड किस तरह आ रही है, बट मोर इम्पोर्टेंटली हाल ही में गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो फ्लोट ग्लास पर थी वो 3 महीने बढ़ाई भी है, उसका क्या मायने होता है, तो चलते हैं गोपाल जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने 3 महीने के लिए फ्लोट ग्लास पर बढ़ाई है, उसका क्या मतलब हुआ, किस तरीके के बेनिफिट्स हम देखेंगे, किस तरीके की इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स आप अपने नंबर्स पर उसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त? नहीं, डेफिनेटली स्वाति जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन इज जस्ट अ प्रोसीजरल एक्सटेंशन, क्योंकि सनसेट रिव्यू ऑलरेडी चल रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चाइना से ड्यूटीज ऑलरेडी लगी हुई है, तो वो ड्यूटी के लिए सनसेट रिव्यू के लिए था, तो वो सनसेट रिव्यू उन्होंने एक्सटेंड करा है। इन्वेस्टिगेशन उनको टाइम लग रहा, बिकॉज इट्स अ वेरी मेथोडिकल कैलकुलेटेड प्रोसेस, so obviously is going to have a very positive impact on the industry and us specifically. So but more importantly, abhi government ne DGTR ne Malaysia pe anti dumping duty laga diya, jo abhi 2 hafte pehle ki baat hai, to wo hamare liye ek bahut badi ek positive news hai, jisse glass industry ko kafi benefit ho sakta hai, because bahut si companies, Chinese companies Malaysia ko use kar rahi thi as a base, एंड वहां से वो एट 0% मिनिमम ड्यूटी इंडो आसियान ट्रेड FTA को लेके इंडिया में काफी सारा इम्पोर्ट कर रहे थे, तो दैट हैज बीन अ सिग्निफिकेंट स्टेप अलोंग विद चाइना। तो ये एक डेफिनेट बूस्ट है जहां पर गवर्नमेंट का स्टेप इन किया गया है डंपिंग को कर्टेल करने के लिए, चाहे वो चाइना हो या मलेशिया, क्लियरली दैट्स अ पॉजिटिव फॉर योर कंपनी। बट सर मैं जानना चाहूंगी, 60% आपका रेवेन्यू ऑटोमोटिव ग्लास सेगमेंट से आता है, इस वक्त किस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है OEMs की तरफ से, और आउटलुक क्या रहेगा ओवरऑल फॉर FY21, क्या रिकवरी दिखने में आ रही है ऑलरेडी? हाँ, डेफिनेटली रिकवरी तो दिख रही है, बट ऑब्वियसली जिस तरह से हमने सोचा था अप्रैल में या मई में कि यू नो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री करीब 40-50% डाउन होगी, वैसे अभी नहीं आ रही है। वी आर वेरी हैप्पी, एंड ऑब्वियसली लेड बाय मारुति, यू नो लास्ट दो महीने के नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल आई थिंक यू नो इतना बुरा ना हो जितना हमने सोचा था, बट स्टिल लास्ट ईयर से तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारे हिसाब से करीब 15-20% डाउन रहेगी, एंड दिस इज आफ्टर 1920 में ऑलरेडी अबाउट 13% डाउन हो चुकी थी, सो ये डबल वैमी है, बट स्टिल आई एम श्योर यू नो द इंडियन कस्टमर यू नो हैज रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोटिव एंड एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली हमारा मार्केट शेयर अबाउट 75% है यहाँ पर, सो यू नो लेड बाय मारुति देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एंड हम उसके तैयार है, वी आर सप्लाइंग। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट 2 महीने काफी इंकरेजिंग नंबर्स देखिए, साइन देखिए, रिकवरी बहुत स्ट्रांग वापस आ रही है, जितना सोचा था नेगेटिव होगा उतना नहीं है, अभी भी 15-20% आप कह रहे हैं साल के एंड में आप उम्मीद कर रहे हैं, दैट इज नॉट सो बैड, जो कि एंटिसिपेशन ज्यादा खराब की थी। बट सर मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त आफ्टर मार्केट बिजनेस किस तरह से पैन आउट कर रहा है, और क्या किस तरीके के मार्जिन वहां दिख रहे हैं, वहां बिजनेस की आउटलुक क्या दिख रही है? आफ्टर मार्केट हमारा हमेशा से स्ट्रांग रहा है, एंड अभी भी टच वुड यू नो जो भी हुआ अभी लॉकडाउन वगैरह ऑब्वियसली देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट इमीडिएटली आफ्टर लॉकडाउन डिमांड अच्छी रही है, एंड वहां भी हमारा करीब 60% मार्केट शेयर है, एंड द ब्रांड AIS इज वेरी वेल रिसीव्ड इन द आफ्टर मार्केट, सो काफी अच्छे रुझान आ रहे हैं वहां पर, वी आर गेटिंग वेरी गुड डिमांड। ओके, तो वहां पर भी अच्छे साइंस है और आपकी वहां लीडरशिप है ही, रिस्पॉन्स भी बढ़िया रहा है। आत्मनिर्भर भारत पर सब बात कर रहे हैं सर, एंड आई एम श्योर आप भी उस एक अपॉर्चुनिटी उसको देख रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ आई एम श्योर आप फोकस कर रहे होंगे, तो मैं ये जानना चाहूंगी असाही इंडिया के अब क्या प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, कैपेक्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में भी आप डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं, किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और आत्मनिर्भर भारत को थीम बनाकर किस तरीके की एक्सपेंशन करने वाले हैं आप? नहीं, डेफिनेटली हम अच्छी तरह से बिलीव करते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ, एंड यू नो वी वुड कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट फॉर दिस स्टेप, बिकॉज़ इट वाज अ मच नीडेड स्टेप इन इंडिया,
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारा कैपेक्स साइकिल अब खत्म हो चुका है. मोस्ट ऑफ द एक्सपेंशन जो हमने करना था अभी हमने ऑलरेडी कर लिया है. एंड ऑलमोस्ट हमारा जो लास्ट मेजर एक्सपेंशन था गुजरात में, हमने ग्रीन टी प्लांट लगाई है मोस्टली टू केटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सुजुकी मोटर्स इन गुजरात एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स फ्रॉम देयर. सो वो प्लांट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है. हम आई थिंक कुछ ही महीनों में उसको हम शुरू करेंगे. तो हमारी कैपेक्स रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड वी आर एडिक्वेटली, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छी है. एंड अगले अगले 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसा मेजर कैपेक्स करना पड़ेगा. ओके, नो मेजर कैपेक्स, कैपेक्स साइकिल खत्म हुई है. दैट्स इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. बट आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही है. एमएनए पॉइंट ऑफ व्यू से डू यू थिंक इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ग्लोबल मार्केट में या इंडिया में, वहां कुछ फोकस है कंपनी का? हो सकता है कोई, वी कैन हम एक दो दूर, बट प्रॉबली इंडिया में एज सच नहीं है कोई मेजर प्लेयर्स जो कि उस तरह की क्वालिटी या उस तरह की कैपेबिलिटी रखते हो, एटलीस्ट इन ऑटोमोटिव क्लास. सो दैट वे यू नो आई मीन वी डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी, हम नहीं देख रहे अपॉर्चुनिटी. ओके, फेयर इनफ. तो इस वक्त कुछ नहीं है बट डेफिनेटली आप देख सकते हैं जैसे आपने कहा. बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल गनात्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए एसआई इंडिया ग्लास का क्या आगे आउटलुक है, किस तरीके के ऑर्डर डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही है.